नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में अप्रैल और मई का महीना किस प्रकार जाने वाला है। 2023 के इन दोनों महीनों की समयावधि में ग्रहों की गोचरी स्थितियों के आधार पर किस प्रकार की स्थितियों का निर्माण कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में होने वाला है, कौन कौन से क्षेत्रों में इन दोनों महीनों में आपको बड़ी सफलता या बड़ी उपलब्धि देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर कर्क राशि के जातकों को निराशा, असफलता और चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, तो ये राशिफल कर्क राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखने का प्रयास करें। कर्क राशि वाले जातकों, इस राशिफल के दौरान हम आपके जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में सटीक जानकारी देने वाले हैं। जैसे कर्क राशि का कैरियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आपका आर्थिक जीवन कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको कुछ खास और धार्मिक उपायों के बारे में जानकारी देने वाले हैं। उपायों के दौरान कर्क राशि वाले जातकों को ऐसे कार्यों के बारे में जानकारी देंगे जो आपको जीवन में जरूर करना चाहिए और दो ऐसे कार्यों के बारे में जानकारी देंगे जिसको आपको जीवन में भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कर्क राशि की कमियों के अंतर्गत वो कार्य आता है। तो कर्क राशि वाले जातकों, ज्योतिष विज्ञान किसी भी व्यक्ति का भाग्य नहीं बदल सकता है। सबसे पहले तो हम आपको यही जानकारी दे दें, किसी व्यक्ति का भाग्य ज्योतिष विज्ञान नहीं बदलता है, केवल कर्म पथ प्रदान करता है और अच्छे कर्म से निश्चित ही भाग्य को बदला जा सकता है। तो ग्रहों में जो बदलाव होता है, ग्रहों की जो गोचरी स्थितियां होती है, ग्रहों का जो परिवर्तन होता है, तो यदि ग्रहों का परिवर्तन सकारात्मक होता है तो जीवन में बेहतर स्थितियां निर्मित होती है और ग्रही स्थितियां यदि नकारात्मक बनती है तो नुकसान का भी सामना जीवन में करना पड़ता है। तो इस वीडियो को यदि आप पूर्ण रूप में देखते हैं, समझते हैं, यदि आप आत्मसात करते हैं तो आने वाले समय की आप प्लानिंग कर सकते हैं और जीवन में बेहतर प्रभाव को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों, राशिफल को हम आरंभ करें उससे पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि इन दोनों महीनों में आपके राशि के ऊपर ग्रही स्थिति कैसी बन रही है। देखिए, देवगुरु बृहस्पति आपके राशि के नवम भाव पर मूल स्वराशिगत होकर गोचर कर रहे हैं। अप्रैल की शुरुआत से लेकर 22 तारीख तक गुरु आपके नवम भाव पर गोचर करेंगे और 12 साल के पश्चात देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन साल 2023 में ही हो रहा है। गुरु आपके राशि के नवम भाव से निकलकर आपके दशम भाव पर गोचर करने वाले हैं। गुरु राहु की उपस्थिति भी बनेगी जिससे गुरु चांडाल योग का निर्माण 22 अप्रैल के पश्चात आपके दशम भाव यानी कर्म भाव में होने वाला है। सूर्यदेव और 14 अप्रैल तक बुध के साथ नवम भाव पर बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। उसके पश्चात सूर्यदेव उच्च के होकर दशम भाव पर गोचर करने वाले हैं। मंगलदेव आपके द्वादश भाव पर 9 मई तक गोचर करने वाले हैं, यानी अप्रैल की शुरुआत से लेकर 9 मई तक मंगल द्वादश भाव पर रहेंगे। उसके पश्चात मंगल आपके लगन भाव पर आ जाएंगे जहां फिर ये मई के अंतिम तक गोचर करने वाले हैं। शनि आपके राशि के अष्टम भाव पर गोचर करेंगे जिसकी वजह से शनिदेव की ढैया का प्रभाव भी आपके ऊपर रहेगा। राहु आपके कर्म भाव पर और केतुदेव आपके सुख भाव पर गोचर करने वाले हैं इन दोनों महीनों की समयावधि में। तब आइए हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार की संभावना इन महीनों में आपके जीवन में निर्मित होती हुई दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं कैरियर और व्यावसायिक जीवन के मामले में यह समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। जहां तक बात करें कर्म क्षेत्र का, तो कर्म भाव आपके दशम भाव से जाना जाता है। दशम भाव के स्वामी मंगलदेव होते हैं। मंगल की स्थिति 9 मई तक 12वें भाव पर बनी हुई है।
दशम भाव पर राहु देव गोचर कर रहे हैं। सूर्य देव उच्च जगह होकर 14 तारीख के पश्चात दशम भाव पर गोचर करने वाले हैं। तो अप्रैल का महीना कर्क राशि वाले जातकों के लिए निर्णायक रहने वाला है। कर्म क्षेत्र के मामले में अप्रैल के महीने में आपको बेहतर रिजल्ट देखने के लिए 14 अप्रैल के पश्चात मिलने वाला है। इसमें आपके जीवन में मनोवांछित सफलता आपको व्यापारिक जीवन में देखने के लिए मिल सकती है और सरकारी क्षेत्र में जुड़े हुए जातकों को, सामाजिक क्षेत्र में जुड़े हुए जातकों को, राजनीतिक क्षेत्र में जुड़े हुए जातकों को देखने के लिए मिलने वाली है। अष्टम भाव पर शनिदेव गोचर करेंगे तो कर्क राशि के जातकों को सकारात्मकता, उत्साह बनाकर मेहनत पूर्वक चलने की आवश्यकता इन दोनों महीनों में रहने वाली है। इन दोनों महीनों में आपको प्रतिद्वंदियों से भी सावधान रहना चाहिए। विरोधी आपके ऊपर हावी होने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपके दृढ़ विश्वास और पराक्रम की वजह से विरोधी आपके जीवन में नुकसान नहीं कर पाएंगे। विरोधियों से आपको सावधान होकर कर्म क्षेत्र में चलना होगा। यदि आपके लिए धन को लेकर जानकारी दिया जाए तो कर्क राशि के जातकों धन भाव के स्वामी बनते हैं सूर्यदेव। जो सूर्यदेव आपकी राशि के नवम भाव पर शुभ स्थितियों में रहेंगे और 14 तारीख के पश्चात तो ये आपकी राशि के दशम भाव पर उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं और आपके लाभ भाव के स्वामी शुभ स्थितियों में रहने वाले हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए आमदनी के माध्यम में आपको वृद्धि देखने के लिए 6 अप्रैल के पश्चात मिलने वाली है। शुक्रदेव राशि के 11th हाउस लाभ भाव पर गोचरी अवस्था में स्वराशिगत होकर गोचर करेंगे तो आमदनी में आपको 2-3 माध्यम से वृद्धि आपको देखने के लिए मिलने वाली है। यानी इस समयावधि में कर्क राशि के जातकों को आमदनी के कई साधन देखने के लिए मिल सकता है। भौतिक सुखों में वृद्धि आपको इस दौरान देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि सुख भाव के स्वामी होकर शुक्रदेव आपके 11th हाउस पर स्वराशिगत होकर गोचर करेंगे। तो यदि आप किसी प्रकार का भवन, वाहन या भूमि खरीदने की योजना बना रहे हैं तो 6 अप्रैल के पश्चात आपको सकारात्मकता देखने के लिए मिलने वाली है। इस समय अंतराल में यदि आपके पारिवारिक जीवन को लेकर जानकारी दिया जाए, शनि अष्टम भाव पर मौजूद होकर आपके सप्तम दृष्टि से आपके द्वितीय भाव को दोनों महीनों में देख रहे हैं और इन दोनों महीनों में आपके चतुर्थ भाव पर केतु देव का गोचर रहने वाला है। तो पारिवारिक संबंधों में कुछ अवांछनीय तनाव आपके ऊपर हावी होने का प्रयास करेंगे। पारिवारिक जिम्मेदारियां आपके ऊपर इन दोनों महीनों में काफी ज्यादा बढ़ी हुई रहने वाली है। बृहस्पति की स्थिति नवम भाव पर बनी हुई है तो भाई बहनों का भरपूर सहयोग पूरे अप्रैल के महीने में आपको देखने के लिए मिलने वाला है। नवम भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव है, जिससे आपकी धार्मिक यात्राएं भी पारिवारिक संबंधों को लेकर होती हुई दिखाई दे रही है। शिक्षा को लेकर अगर जानकारी दिया जाए तो कर्क राशि वाले जातकों इस समयावधि में शिक्षण संस्थान में आपको बेहतर उपलब्धि देखने के लिए मिलने वाली है। मंगलदेव आपके 11th हाउस पर मौजूद होकर पूर्ण रूपण प्रभावी हैं, जिसकी वजह से विद्यार्थियों के अंदर अभूतपूर्व उत्साह देखने के लिए मिलेगा। अप्रैल और मई दोनों महीने आपके विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए श्रेष्ठता निर्मित कर रहे हैं। इस समयावधि में यदि आपके राशि के लिए प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में आपको जानकारी दिया जाए, दर्शकों प्रेम संबंध का विचार राशि के पंचम भाव से किया जाता है। पंचम भाव के स्वामी मंगल राशि के 12वें भाव पर गोचर कर रहे हैं तो प्रेम जीवन के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए समय मिला जुला रहने वाला है। इस समयावधि में जो जातक किसी गहरी फ्रेंडशिप में है और प्रेम संबंधों को यदि आप वैवाहिक जीवन में बदलना चाहते हैं तो आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। वहीं यदि आपके लिए वैवाहिक जीवन के मामले में आपको हम जानकारी दें, देखिए सप्तम भाव से वैवाहिक संबंधों का विचार करते हैं और आपके वैवाहिक भाव के स्वामी शनि राशि के अष्टम भाव पर गोचर कर रहे हैं। कई शुभ ग्रहों का प्रभाव आपके सप्तम भाव पर बना हुआ है तो यह पूर्ण रूपण कहा जा सकता है कि दाम्पत्य संबंधों में आपको मिला जुला प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है।
देखिए कर्क राशि वाले जातकों, शनि ग्रह आपके राशि के लिए प्रबल मारक ग्रहों में आते हैं और सप्तम भाव के स्वामी शनि बनते हैं। अष्टम भाव पर शनि का गोचर कहीं न कहीं वैवाहिक संबंधों में जुड़े हुए जातकों के जीवन में नीरसता निर्मित कर सकता है। अप्रैल के महीने में 22 तारीख के पश्चात आपके वैवाहिक संबंधों में कड़वाहट ज्यादा देखने के लिए मिल सकती है, इसलिए जीवन साथी के साथ संबंधों में समन्वय बैठाकर आपको इन दोनों महीनों में चलने की आवश्यकता रहने वाली है। कहीं ना कहीं जीवन साथी के सेहत को लेकर भी उतार चढ़ाव परेशान कर सकता है, इसके वजह से आपके मन में तनावपूर्वक स्थिति भी बन सकती है। हालांकि इस समय अवधि में आपके राशि के लिए अविवाहित जातकों के लिए विवाह के प्रस्ताव जरूर निकलकर सामने आ रहा है। इस समय अवधि में यदि आपके राशि के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, दर्शकों राशि के छठवें भाव से रोग ऋण और शत्रु पक्ष का विचार किया जाता है। छठवें भाव के स्वामी देव गुरु बृहस्पति 22 तारीख तक काफी शुभ स्थितियों में हैं। उसके पश्चात ये केंद्र भाव में चले जाएंगे और अष्टम भाव पर इन दोनों महीनों में शनि ग्रह की स्थिति बनी हुई है। शनि देव आपके राशि के द्वितीय भाव को देख रहे हैं। द्वितीय भाव से मुख के बारे में विचार किया जाता है तो दांतों में प्रॉब्लम, हड्डियों में प्रॉब्लम, पेट जनित समस्या कर्क राशि के जातकों को परेशान कर सकती है, इसलिए कर्क राशि वाले जातकों को सेहत को नजरअंदाज करके नहीं चलना चाहिए। खास तौर से जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है, ऐसे जातकों को बीपी माइग्रेन की भी समस्या परेशान कर सकती है, क्योंकि मंगल देव भी राशि के 12वें भाव पर 9 मई तक गोचर कर रहे हैं। तो सेहत को यदि आप बेहतर रखना चाहते हैं तो शराब, धूम्रपान, मांसाहार जैसे विषयों से बचें। सेहत को बेहतर रखने के लिए कर्क राशि के जातकों को दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। शराब, धूम्रपान, मांसाहार जैसे विषयों से आपको पूर्ण रूपेण बचना चाहिए। तो समय आपके लिए काफी ज्यादा अनुकूल और बेहतर रहने वाला है। यदि आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, धार्मिक उपाय को बताने से पूर्व हम आपको कुछ खास सावधानियों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कुछ नकारात्मकता जो कर्क राशि वाले जातकों के अंदर मौजूद होती है, इसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो कर्क राशि वाले जातकों को भावना के वशीभूत होकर जीवन में चलने से बचना चाहिए। कर्क राशि के जातक भावना प्रधान होते हैं, जल तत्व का प्रभाव आपके अंदर होता है, जिसके वजह से जीवन में बड़े से बड़े निर्णय को आप लोग ले लेते हैं और कुछ समय के पश्चात आपके मन में या कुछ समय के पश्चात उस निर्णय से आप लोग बीच में ही उसे छोड़ देते हैं। तो यहां पर कर्क राशि के जातकों को जीवन में इस प्रवृत्ति पर ध्यान देना चाहिए, विचारों में एकाग्रता और मन में दृढ़ता बनाकर आपको ज्यादा चलना चाहिए। दूसरा, कर्क राशि वाले जातकों में लापरवाही ज्यादा देखने के लिए मिलती है। आपने कार्यों को आज का कार्य कल पर, कल का कार्य परसों पर टालते हुए ये जातक ज्यादा दिखाई देते हैं। तो जीवन में यदि आप बेहतर स्थिति निर्मित करना चाहते हैं तो समय प्रबंधन पर आपको ज्यादा ध्यान देकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। वैसे भी शनिदेव आपके राशि के अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं, जिनकी तीसरी दृष्टि कर्म भाव पर पड़ रही है। तो आप यदि कर्म क्षेत्र को लेकर आलस्य पूर्वक स्थिति कर्म निर्मित करते हैं तो आपको ज्यादा नुकसान जीवन में दिखाई देगा, इसलिए समय का विशेष सदुपयोग आपको करना जीवन में चाहिए। अब कर्क राशि के जातकों के लिए जीवन में सकारात्मक बातों के बारे में जानकारी दिया जाए, जिसको यदि आप अपनाते हैं तो बेहतर स्थिति दिखाई देगी। तो सबसे पहले तो कर्क राशि के जातकों को चिंता मुक्त होकर जीवन में चलना चाहिए। अपने आप को तनाव मुक्त रखने के लिए नई नई चीजों को आप प्रयोग कर सकते हैं, जैसे धार्मिक पुस्तकों का यदि आप अध्ययन करते हैं, मनोरंजन के क्षेत्र में संगीत को यदि आप धार्मिक संगीत को सुनते हैं, कुछ न कुछ खेलने का यदि आप प्रयास करते हैं, इससे आप अपने आप को चिंता मुक्त रख सकते हैं और मन में प्रसन्नता भी इन चीजों को करने से आपको देखने के लिए मिल सकती है। उस कार्य के बारे में सोचना आपको बंद कर देना चाहिए जिस कार्य में आपका नियंत्रण नहीं है। जी हां,
कर्क राशि के जातकों के जीवन में अक्सर कर्क राशि के जातक ऐसे कार्यों के बारे में सोचते रहते हैं जिसका कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में नियंत्रण ना होने के बावजूद भी ये ऐसी चीजों को सोचकर दुखी होने लगते हैं। तो देखिए, यहां पर जहां पर आपका नियंत्रण नहीं है उस चीजों के बारे में सोचते हैं तो आपके समय की बर्बादी होती है और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी गिरता है। तो इस बात का भी आपको जीवन में ध्यान देकर चलना चाहिए। अब अगर आपके लिए उपाय की जानकारी दिया जाए तो प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करना आपके लिए बेहतर रहेगा। जीवन में श्रेष्ठता और बेहतर प्रभाव को अर्जित करने के लिए कर्क राशि के जातकों को बेजुबान जानवरों के प्रति दया का भाव रखना चाहिए। यथाउचित दाने चारे का प्रबंध आपको करते रहना चाहिए। शनि ग्रह की स्थिति आपके लिए नकारात्मक है, इसलिए कर्क राशि के जातकों को शनि जन्य दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए छाया पात्र का दान करना बेहतर रहेगा और शनिदेव के मंत्रों का जप करना भी आपके लिए बेहतर रहने वाला है। ओम प्राम प्रेम प्रोम सम शनिश्चराय नमः नामक मंत्र का आप जप जरूर करें। उम्मीद है यह जानकारी कर्क राशि के जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोस को देखना चाहते हैं इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। ओम नमः शिवाय।